वाराणसी पहुंचे केंद्रीय रेल एवं संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है वह 2019 लोकसभा चुनाव गाजीपुर से ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2014 से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं चाहता हूं मैं गाजीपुर से लड़ूंगा। मनोज जी तो गाजीपुर में नहीं लड़ूंगा, हमारा मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए खोजा जा रहा है कि गठबंधन के आधार पर किस तरह से नरेंद्र मोदी जी को रोका जाए। पहले जो देश में इस तरह के प्रयोग हुए हैं, मैं उदाहरण देने की जरूरत मुझे नहीं, आप सब परिचित हैं, वो सब पूरी तरह से विफल हुए और वर्तमान में भी गठबंधन के आधार पर जो सरकार कर्नाटक में चल रही है वहां के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुझे क्लर्क बना करके छोड़ दिया गया है। देश को तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री क्लर्क के रूप में काम करेगा या एक निर्णायक नेतृत्व के रूप में। 5 वर्षों में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है पूरी दुनिया में। एक पारदर्शी और इफेक्टिव गवर्नमेंट हमारी सरकार ने दिया। मैंने कुछ मुद्दों की चर्चा की, अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने। ऐतिहासिक फैसला संविधान में 124 संशोधन करके प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास करके विकास करने का काम किया।